जम्मू कश्मीर में राजौरी, सांबा और रामगढ़ में पाकिस्तान द्वारा लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन, 8 नागरिकों की मौत, कई घायल। भारतीय सेना ने की जवाबी कार्रवाई, पाकिस्तान की 14 चौकी तबाह, 2 सैनिक मारे गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा को जल्द ही खुले में शौच से मुक्त राज्य बनाने की जताई आशा। देश की सीमाओं की रक्षा में अहम योगदान देने के लिए हरियाणा के लोगों को दी बधाई। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने पंजाब राज्य की 50वीं सालगिरह पर अमृतसर में एक रैली को संबोधित किया। दोनों नेताओं ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। अमित शाह ने पंजाब के किसानों और जवानों को किया सलाम। कोयला आवंटन मामले को बंद करने के लिए सीबीआई के कदम के खिलाफ केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की याचिका पर दिल्ली की एक विशेष अदालत में आज शुरू होगी सुनवाई। द्रमुक नेता एमके स्टालिन कल देर रात एक कार दुर्घटना में बाल बाल बच गए। उन्होंने बताया कि पलिकोंडा में स्टालिन की एक कार और एक अन्य चार पहिया वाहन एक दूसरे से टकरा गए, लेकिन इस दुर्घटना में कोई घायल नहीं हुआ। केरल देश का तीसरा खुले में शौच से मुक्त राज्य बन गया है। ये घोषणा नई दिल्ली में पेयजल और स्वच्छता सचिव परमेश्वरन अय्यर ने दी। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को लगा बड़ा झटका। सर्वोच्च अदालत ने पनामा पेपर मामले में जांच के दिए आदेश। नवाज शरीफ और उनके परिवार पर है भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप। अमेरिकी चुनाव में पहली बार रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने हिलरी क्लिंटन पर बढ़त बनाई। मई में ईमेल स्कैंडल के बाद पहली बार एबीसी न्यूज, वॉशिंगटन पोस्ट के सर्वेक्षण में ट्रंप को 1% अंक की बढ़त। जापान सरकार की वित्त पोषक एजेंसी JICA ने दिल्ली मेट्रो रेल निगम के साथ अपने सहयोग को तीसरे चरण के बाद भी जारी रखने की उत्सुकता जताई है और एजेंसी दिल्ली मेट्रो के साथ आगे के सहयोग के बारे में बातचीत करने की इच्छुक है। इराक ने आज घोषणा की है कि उसके सैनिकों ने 2 वर्ष बाद आज पहली बार जिहादियों के कब्जे वाले मोसूल शहर में प्रवेश किया। अमेरिका के बाल्टीमोर शहर में आज एक बस दुर्घटना में 6 लोगों की मौत हो गई और 10 घायल हो गए। दुर्घटना में स्कूल बस के चालक और सिटी बस के 5 यात्रियों की मौत हो गई। ब्राजील में बस दुर्घटना में 20 लोगों की मौत हुई। हादसा उस वक्त हुआ जब ब्राजील के पराना शहर में बस और एक तेल टैंकर की भीषण टक्कर हो गई और बस पूरी तरह आग की चपेट में आ गई। खेल मंत्रालय ने अनुदान प्राप्त करने के लिए सभी राष्ट्रीय खेल महासंघों जो नीति आयोग के NGOPS पोर्टल में पंजीकृत नहीं होगा उसे मंत्रालय से किसी तरह की धनराशि जारी नहीं की जाएगी। इंग्लैंड के खिलाफ 9 नवंबर से शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का चयन आज किया जाएगा।